हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मोगरा प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और काफ़ी सारी इसमें बड्स भी आना शुरू हो गई हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि अब जब इस समय बड्स आने लगी हैं इस प्लांट में और फूल भी खिलने लगे हैं, तो इसे कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है जिससे कि ये फूल पूरी गर्मियों खिलते रहें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक बार फूल खिल के और बंद हो जाते हैं, तो हमारे प्लांट के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज मैं आपको ऐसे फर्टिलाइज़र की जानकारी दूंगी जिसे डालने से आपका प्लांट पूरे टाइम फ्लोरिंग करता रहेगा और इसमें बिल्कुल भी फूलों से संबंधित समस्या नहीं आएगी और आपके प्लांट में ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। फर्टिलाइज़र पूरी तरह से जैविक है, इसलिए किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट की गुंजाइश नहीं है, प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं। मैं दो फर्टिलाइज़र बताऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि इस समय जब मोगरा में फ्लोरिंग हो रही है तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूट्रिशन में खास तौर पे हमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र कोई सा भी डाल सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र थोड़ा गर्मियों में नुकसानदायक होता है, यदि आप चाहें तो उसकी मात्रा को ध्यान रख के उसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल से जैविक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताऊँगी जिसकी मात्रा यदि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो जाती है तो हमारे मोगरा प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। साथ ही इस समय इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक जैसे एलिमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उन सभी के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो है ये बनाना पील फर्टिलाइज़र। इस तरह से कुछ केले के छिलके होते हैं, केले के छिलकों को अच्छी तरह से आप सुखा लें और सुखाने के बाद इस तरह से पाउडर बना लें। मैंने इसे पीस लिया है अच्छी तरह से सुखा के और इसको मैं इस मिट्टी में, मोगरा प्लांट की मिट्टी में डालने वाली हूँ। तो साइड से हम जगह कर लेंगे, इस तरह से चारों तरफ हमें जगह कर लेनी है। और ये जो हमारे पास केले के छिलके का पाउडर है, इसको अच्छी तरह से 2 चम्मच भर के आपकी पॉट की साइज़ के हिसाब से या आपके पास जितनी मात्रा अवेलेबल हो इस तरह से आपको इसमें डाल देना है और ये इसके लिए पर्याप्त है। तो केले के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, आयरन, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम होता है, जो कि हमारे प्लांट में फ्लोरिंग के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये वाला फर्टिलाइज़र आप इस समय इसमें डाल सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक और फर्टिलाइज़र बताती हूँ, ये है मेरे पास अनियन पील फर्टिलाइज़र। इसको मैंने प्याज के छिलके को 2 से 3 दिन के लिए गला के रख दिया था। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसको मैं अब छान लेती हूँ। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा हो गया है और साथ ही इसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं। तो इस पानी को मैं अपने मोगरा प्लांट की सॉइल में डाल दूंगी। तो ये भी पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है और प्लांट में बहुत ही अच्छी शाइनिंग लाता है, लीव्स में, फ्लावर्स में, साथ ही फ्लावर का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स बहुत ही यूज़फुल हैं हमारे मोगरा प्लांट के लिए। दोनों में पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। थैंक यू।